प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो 53,500 करोड़ का बजट पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। और इस बजट के अनुसार उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश के आम नागरिक का और हिमाचल के हर वर्ग का जो है वो ध्यान रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें चाहे हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी वर्ग है और हमारे आंगनबाड़ी सहायिका हैं, कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी टीचर्स हैं, सिलाई टीचर्स हैं, और उसके बावजूद जो हमारी नई योजनाएं हुए हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर औद्योगिक घराने जो ऑलरेडी चल रहे हैं और जो नए लगने वाले हैं उनको लेके और जो नई नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नई आने वाली है उसको लेके जो उन्होंने जो बजट पेश किया है, मैं कहूँगा कि इस बजट को देखते ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों की बोलती बंद हो गई है। ये बजट एक आने वाले समय के अंदर नया मील का पत्थर साबित होगा और इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसका मैं धन्यवाद करूंगा और उनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि उन्होंने एक तरफ से जनमत दिया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को और उसी जनमत के अनुरूप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है पिछले दिन इस विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार का पहला बजट है। और अगर इसका हम सही से विश्लेषण करें, तथ्यों को देखें और तथ्यों को आधारित इस विश्लेषण को अगर हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो मैं कहता हूं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है इस बजट का फायदा है हर नागरिक को होगा, हर वर्ग को होगा और इसकी जो योजनाएं हैं उनको जैसे जैसे वो योजनाएं क्रियान्वयन का रूप लेती जाएंगी तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत विपक्ष को बोलने का एक भी मौका शायद नहीं मिलेगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।